नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रमा। रमा जी, आप कहाँ से आई हैं? जालंधर से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? मैं शुरू से ही बचपन से ही 89 से ब्रह्मा कुमारी में जाती थी। हाँ, मेडिटेशन करते थे, खुद ही प्रयत्न करते थे, अपने आप को एक सोल समझना, बॉडी से डिटैच होना, बस वही करते थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? एक बार मैं टीवी देख रही थी, हम तो पीस ऑफ माइंड चैनल देखते थे, एक बार ऐसे चैनल घुमाते 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 साधना चैनल आ गया। वहाँ गुरुजी बता रहे थे कि ये तीन पुरुष हैं, कुशर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो मैंने वो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सिर्फ यही सीन देखा था और नीचे आ रहा था कि ज्ञान गंगा मंगवाने के लिए। तो मुझे शुरू से धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक था, तो हमने, मेरे हस्बैंड आए तो मैंने वो नंबर दिया कि जहाँ फ़ोन करके किताब मंगाओ। वहाँ से हमने किताब मंगवाई, 15 दिन किताब पढ़ी, उसके बाद मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी में नहीं गई। ज्ञान गंगा सारी पुस्तक पढ़ी, उसमें सारा बताया हुआ था कि ब्रह्मा को कैसे अभिशाप मिला था, दुर्गा ने कहा था कि तुम्हारे वंशज जो होंगे वो पाखंड करेंगे, तो दुनिया के सामने अच्छा बनेंगे और बीच में सारे पाखंड। तो ये सारी डिटेल जब मैंने अच्छी तरह पढ़ी तो मैं वहाँ 22 साल वहाँ रही। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन उधर से उठ गया, और इसमें सारा बताया था कि जे ओम अक्षर है, सारा गीता गुरु जी का सारा पूरी डिटेल बताई हुई थी कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ही अक्षर ओम अक्षर है, उसी साधना, और वहाँ ओम की ही साधना करवाते थे। इसलिए मैंने वहाँ छोड़ के फिर हम बरवाला गुरु जी के पास गए, वहाँ से नामदान लिया। आपने बरवाला के अंदर कौन से संत से नाम दीक्षा ली? संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मुझे बहुत सारे लाभ मिले। पहले जब मैं स्टार्टिंग पे वहाँ गई तो वहाँ वो उन्होंने एक पुस्तक दी, वहाँ लिखा नित्य नियम करना, वो करना। मैंने कहा ये तो मैंने सारी ज़िंदगी नहीं की ये पाठ, तो कैसे करूँगी। उसी दिन जिस दिन मैंने नामदान लिया और किताब ली, तो रात को मैं अपने आप ही वो सारा पाठ बोल रही थी, जो कि मैंने कभी देखी भी नहीं, किताब खोल के भी नहीं देखी थी, और मैं बैठ भी नहीं सकती थी, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पाठ भी करती हूँ, साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मेरे जहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी, इंजेक्शन से जो सारा स्वेलिंग हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पता नहीं वो इंजेक्शन कोई गलत लग गया था, जहाँ दर्द होती थी ना, तो वो सारी इसमें पस भर गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी। तो उसी दिन परमात्मा मेरे सपने में आए, तो परमात्मा ने ऐसे छोटा सा कट लगा दिया, तो वो सारी वो पस निकल गई और ठीक हो गया, नहीं तो इसका कैंसर बन जाना था। और मेरी बेटी ने बीटेक की थी, तो उसको कभी वो भटक रही थी कि अब कोई सर्विस नहीं मिल रही थी, एकदम से ही उसको MNC कंपनी में सर्विस मिल गई, और अब वो बहुत खुश है और परमात्मा का धन्यवाद करती है रोज़। बेटे को कैंसर हो गया था पिछले साल, वो कैंसर हुआ तभी परमात्मा की शरण में आया था, तो उसने इतनी भक्ति की, हमें ऐसे लगता था जैसे हमने प्रार्थना करवाई परमात्मा से, परमात्मा कहते कि दया करेंगे। तो उस दिन से हमारे घर में परमात्मा का प्रवेश हो गया, जब भी परमात्मा की फ़ोटो देखते सारा दिन दंडवत करते, सारा दिन सत्संग चलता, शब्द चलते थे, तो परमात्मा ने ऐसे हमारे कष्ट काटे, हमसे भक्ति करवाई पूरी और हमारे सारे कष्ट काटे, हमारे लिए वो पूर्ण परमात्मा है। बहन जी, आपने 22 साल तक ब्रह्मा कुमारी की भक्ति की, उसके बाद अभी आप 3-4 साल से संत रामपाल जी महाराज की द्वारा बताई हुई भक्ति कर रही हैं, आपको इन दोनों की भक्ति में क्या डिफरेंस नज़र आता है, क्या अनुभव हुए आपको? वहाँ जाते थे तो सारा, मतलब कि सारे कष्ट आते थे, कोई भी सुख नहीं होता था, जाते रहते थे, क्योंकि वहाँ कहते हैं ना कि जो हमने कर्म किए हैं उसी का ही फल मिलता है, जहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पाप कर्म भी काट देता हूँ। अब हमारे काम ऐसे होते हैं हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे लगता है साक्ष, जैसे पहले सुना था ना कहानियों में कि परमात्मा जे जे काम करते हैं, अब हमने अनुभव किया कि सचमुच परमात्मा ऐसे भक्तों के काम करते हैं। बहन जी, आखिर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज तैयार कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं, वो जो भक्ति देते हैं उनसे हमारा बिल्कुल भी मन से लालच, जैसे हम राधा स्वामी में जाते थे जहाँ वो, हाँ ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, लेकिन हमारे मन से विकार नहीं जाते थे, लेकिन जहाँ आने के बाद हमारे मन में बिल्कुल भी किसी से कुछ भी लेने की या देने की कोई भी इच्छा नहीं है। एक नशा मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, जो सारे समाज का कल्याण होगा, क्योंकि वो सारे समाज को सच्चाई बता रहे हैं,
वो तो सच्चाई बता रहे हैं कि जे सच है, जे देखो मैं अपने अपने आप से कुछ नहीं कह रहा, जे सारे कबीर सागर में गुरु नानक देव जी ने सब कुछ जो कुछ बताया वही बता रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहे। तो जैसे हम राधा स्वामी में भी जाते थे तो वहाँ पूरा कबीर साहब का भी बताते थे लेकिन पूरी डिटेल नहीं बताते थे, जैसे शब्दों शब्दाई में उसमें सब में बताया हुआ है कि जे जो पाँच नाम देते हैं जे काल के जम के जाल हैं, तो वो उन्होंने नहीं बताया, तो ये सारा गुरुजी ने बताया। बहन जी आप इतने ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हैं, आपको गुरु की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों एक आम इंसान को गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है? गुरु के बिना गति नहीं होती, जो शुरू से सुना था लेकिन अब महसूस हुआ कि गुरु की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा ही हमें इस मृत्यु लोक से सतलोक लेके जा सकते हैं, कोई हमारे माँ बाप भाई बहन वो हमारा साथ नहीं दे सकती। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो साधना चैनल पर प्रोग्राम आता है रोज़ जरूर देखें और ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाएं और सारा ज्ञान अच्छी तरह समझ कर फिर परमात्मा की शरण में आएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो साधना चैनल पर जो नीचे नंबर आते हैं उन पर आप संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब।